नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, पूर्वांचल एक क्राइम का पुराना इतिहास है। कोयले की ठेकेदारी हो या रेलवे की ठेकेदारी, ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रही है एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज रक्तांचल। जी हाँ दोस्तों, वेब सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें दो बाहुबलियों की लड़ाई को दिखाया गया है जिनका नाम विजय सिंह और वसीम खान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन दो बाहुबलियों के असली जीवन चरित्र के बारे में बात करेंगे और मैं उन दो बाहुबलियों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके ऊपर ये वेब सीरीज बनाई गई है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज में जो वसीम खान का किरदार निभा रहे हैं, उनका किरदार यूपी के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलता जुलता है, जिन्हें रॉबिनहुड नेता के नाम से भी जाना जाता है। और वही दोस्तों, जो दूसरे बड़े बाहुबली है जिसका नाम विजय सिंह है, उसका किरदार यूपी के दूसरे बड़े बाहुबली ब्रजेश सिंह से इंस्पायर्ड है। अब दोस्तों, जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे या फिर कोई बड़ा कारोबार, हर जगह बाहुबली अपराधियों का असर और दखल दे रहा है। सत्ता से जुड़े लोग भी इनसे नहीं बच सके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से कई ऐसे बड़े बाहुबली निकलकर सामने आए हैं जिनके नाम का सिक्का लंबे समय तक चलता रहा। ऐसे ही दो बड़े बाहुबलियों की हम बात करेंगे। दोस्तों, वेब सीरीज में जिन दो बड़े बाहुबलियों की हम बात करेंगे, उनकी कहानी इस वेब सीरीज की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। इस जुर्म की दुनिया में पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी का, जिनका नाम बदलकर वेब सीरीज में वसीम खान रखा गया है। अब दोस्तों, यूपी का पूर्वांचल ही कई कुख्यात अपराधियों का गढ़ माना जाता है। यूं तो पूर्वांचल से कई नेता आए, लेकिन एक ऐसा नाम आया जो इस क्षेत्र में सबसे बड़े बाहुबली का नाम बनकर उभरा, जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिनहुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के बाहुबली नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर है। उनका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। दोस्तों, वो जवानी के दिनों से ही निडर और दबंग थे। जल्द ही उन्होंने छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। पूर्वांचल के विकास को लेकर कई योजनाएं जब शुरू हुई तो वहां जमीन कब्जाने को लेकर दो अलग अलग गैंग बन गए। मुख्तार अंसारी के सामने साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गैंग बनाया। जी हां दोस्तों, ब्रजेश सिंह वही है जिनका इस वेब सीरीज में विजय सिंह के नाम से किरदार बताया गया है। और दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था। 2002 में दोनों गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसी बीच दोनों गैंग के बीच में गोलीबारी भी हुई थी। हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था। उसके मारे जाने की अफवाह थी। इस घटना के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार अब चौथी बार विधायक हैं। वही दोस्तों, अब दूसरे बड़े बाहुबली की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है ब्रजेश सिंह, जिनका किरदार वेब सीरीज में विजय सिंह के नाम से दिखाया गया है। दोस्तों, ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में से गिने जाते थे। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। 1984 में इंटर की परीक्षा में उन्होंने अच्छे अंक हासिल कर लिए थे। उसके बाद ब्रजेश सिंह ने यूपी कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों में सबसे प्रथम श्रेणी पर आता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह को एक अपराधी बना दिया और उसके मन में बदले की भावनाओं को जन्म दे दिया। इसी भावनाओं के चलते ब्रजेश ने जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया था। आगे चलकर उसने अपने पिता के 5 हत्यारों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन मुख्तार अंसारी से दुश्मनी उसे काफी महंगी पड़ी। इसी के चलते ही ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया था। ऐसे तो दोस्तों कई बाहुबली पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन ये दो ऐसे बड़े बाहुबली थी जिनके पूरे देश में चर्चाएं उठने लगी थी। दोस्तों, दोनों की अपनी आपसी दुश्मनी ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि पूरे पूर्वांचल में तहलका मचा दिया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यही स्टोरी इस वेब सीरीज में दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों, एग्जैक्ट क्या कहानी होने वाली है वेब सीरीज में, ये तो हमें दोस्तों वेब सीरीज रिलीज होने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों रक्तांचल 28 मई को रिलीज होने जा रही है और आप इस स्टोरी को सुनकर
कितने एक्साइटेड हैं रक्तांचल वेब सीरीज देखने के लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने एक सही इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।